12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की मांग कर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दायर की गई है। कांग्रेस नेता है जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका दाखिल की है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी हो यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है दिल्ली के विज्ञान भवन में। यह बैठक चुनाव आयोग की फिलहाल चल रही है। देश के सभी राज्यों के चुनाव पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद हैं। देश में होने वाले आम चुनाव और उसके साथ ही होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के अंतिम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और इसी कड़ी में आज दिल्ली में हो रही है एक अहम बैठक। ये बैठक अहम क्यों है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये बैठक हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में और साफ तौर पर इस बैठक के लिए लिखा गया है ऑब्जर्वर्स ब्रीफिंग मीटिंग जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 एंड जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली 2024, यानी कि विधान सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी के लिए भी जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के ये बैठक हो रही है। और ये बैठक है प्रेक्षकों की ब्रीफिंग यानी कि ऑब्जर्वर्स की बैठक। ऑब्जर्वर्स की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जर्वर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका कैसे पालन हो रहा है, कहीं कोई जो है चूक तो नहीं हो रही है, कैसे चुनावों को तय सीमा में उसको संपन्न करवाना है, किस तरीके से उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर के वोटिंग तक के जो नियम है उनका पालन करना है। और इस वजह से दिल्ली में ये जो बैठक हो रही है इसको आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी वजह से ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अगले कुछ दिनों के दौरान इन चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और फिर दोहरा रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बल्कि कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनकी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जब चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो उस दौरान किया जाएगा। और इसी वजह से ये जो ऑब्जर्वर्स की बैठक हो रही है इसमें देश के तमाम राज्यों से जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो पहुँचे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो तमाम जो चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और माना यही जा रहा है कि यहाँ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे तमाम ऑब्जर्वर्स को जो चर्चा की जाएगी उन्हीं का पालन किया जाएगा आगामी चुनावों में। और इस वजह से ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण। और अगर मैं इससे पहले की बात करूं, इससे पहले के जो चुनाव होते रहे हैं इस तरीके की बैठक के अगले कुछ दिनों के भीतर ही हो जाता है चुनावों की तारीखों का ऐलान, तो इस वजह से ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो ये ऑब्जर्वर्स की बैठक, मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों को लेकर अपने काम में लगा हुआ है जोर शोर से। और ऐसे में अब सवाल ये कि जब तक चुनाव आयोग का सिलेक्शन नहीं तब तक क्या नहीं होगा इलेक्शन, ये एक सवाल है जो लोगों के मन में आ रहा होगा। मुझे लगता है जरा इस पर भ्रम भी दूर करने की जरूरत है। रामकृपाल सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन आयोग अपना काम करता रहता है, सिस्टम है, सिस्टम अपना काम करेगा और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तो ऑलरेडी हैं। हाँ। और सरकार आज भी आया है कि शायद एक दो दिनों में जो प्रोसेस होता है उसमें अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, लेकिन लेकिन हाँ 15 को। लेकिन मेरा एक कहना यह है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, चीज़ें वहाँ बहुत पहले से डिसाइडेड होती हैं, धीरे धीरे वो सब सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं और एक ही दिन में नए दोनों को आने के बाद तारीख अनाउंस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई भी व्यवस्था जो है, कोई भी सिस्टम अपना काम करता है, जरूरी नहीं है कि उसका मुखिया भी है। तो इलेक्शन कमीशन तय हिसाब से निर्धारित हिसाब से अपनी चीजें पूरी कर लेगा, लेकिन वो एक परसेप्शन होता है ना कि अभी तक जो देश के जहन में है वो ये कि तीन चुनाव आयुक्त आकर बैठते हैं और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अनाउंस करता है, तो फिर वो परसेप्शन के लिहाज से शायद सही संदेश नहीं जाएगा कि एक ही कुर्सी वहां पर नजर आएगी और एक ही चुनाव आयुक्त नजर आएगा। इसी वजह से ये उम्मीद की जाए कि 15 मार्च जो सरकार की तरफ से तारीख तय की गई है जब चुनाव आयुक्तों को लेकर फैसला लिया जा सकता है उसके बाद ही आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। प्रोफेसर चंद्रचूड़, आपका आंकलन? देखिए जहाँ तक ये जो अभी घटना हुई है इसका सवाल है,
तो मुझे तो ये पता है कि जो अनूप चंद्र पांडे जी की सेवानिवृत्ति हुई थी तो उसी समय ये मान लिया गया था कि फिर से मीटिंग होगी और मेरे ख्याल से वो 13-14 तारीख का जो तारीख है वो पहले भी तय किया गया था जी। लेकिन बड़ी बात ये है, अगर संविधान के हिसाब से देखें तो संविधान तो यही कहता है ना कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की संख्या कितने होंगे वो तय करेंगे, एक होंगे या एक से ज़्यादा, एक तो होंगे ही, एक से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे वो राष्ट्रपति तय करते हैं। उसी तरह से 89 में उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया था, फिर थोड़े दिन के लिए वो एक सदस्यीय हो गया, फिर 93 से जाके 3 सदस्यीय हो गया। तो जैसा रामकृपाल जी ने भी कहा कि ये व्यवस्था चलती रहती है, चुनाव की तैयारी चलती रहती है। हाँ, परसेप्शन के हिसाब से वो 3 सदस्यीय है, वो 3 सदस्यीय इसलिए होता है कि ताकि कलेक्टिव विजडम कहते हैं कि एक व्यक्ति के विजडम से बेहतर माना जाता है, तो वो कलेक्टिविटी में फैसला हो, ताकि एक देखिए फेयरनेस जो होता है रोमाना जी, वो फेयरनेस दिखना भी चाहिए, मतलब जस्टिस हैज टू बी शोन टू बी डन। और इसीलिए वो 3 सदस्यीय किया गया था और मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज को समझती है और सरकार इसीलिए जिस बात का जिक्र देखिए रामकृपाल जी कह रहे थे ना कि वो प्रोसेस तो चल रहा होगा, जो भी तैयारियां हैं वो तो हो गई होंगी, लेकिन वो अनाउंसमेंट जब हो तो वो नजर भी आए कि किस पारदर्शी तरीके से ये फैसले लिए गए हैं वो होते हुए नजर आए। इस बीच सीधे सर आपको लेकर चलते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर वाले हिस्से का उद्घाटन आज कर रहे हैं। गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आपको नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, और जहां तक मैं ये टनल वाली तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पा रही थी शुक्ला जी, ये वही टनल जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि खास टनल यहां पर इस हिस्से में बनाई गई है। जी बिल्कुल, ये जो खास टनल है भारत की पहली टनल है। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट NHAI को 2016 में दिया गया था। अच्छा, हरियाणा सरकार पहले द्वारका एक्सप्रेसवे बनाना चाह रही थी, लेकिन लागत के हिसाब से वो इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रही थी, तो लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था। 2016 में हरियाणा सरकार की तरफ से आग्रह किया गया, नितिन गडकरी जी ने उसको NHAI को दिया और उसके बाद काम शुरू हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ अड़चन आई कई जगह पे, आपके यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेके, यानी बिजली की तार वगैरह को लेके। दूसरा, जो छोटा सा वन क्षेत्र आ रहा था, जो वन तो नहीं कह सकते दिल्ली के हिसाब से, उस पर भी कई तरह के व्यवधान पैदा हुए राज्य सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर भी देरी हुई। लेकिन अंततः ये 20 किलोमीटर का बन चुका है, 19 किलोमीटर का, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली के ट्रैफिक के लिए एक जीवन रेखा के रूप में। बिल्कुल, जोड़ना चाह रहे हैं, मैं यही जोड़ना चाह रहा था शुक्ला जी की बातों में ही, कि आप इस परियोजना को इसलिए भी जरूरी समझना है, खास करके इस सरकार के साथ, क्योंकि ये सारी जो नेशनल हाईवे की परियोजनाएं हैं वो गतिशक्ति योजना के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके इनफ्लो को लेकर, ई टोल को लेकर, और उसके बाद वो कितना चौड़ा होगा नहीं होगा उसको इस तरह से किया जाता है। क्योंकि याद रखिए कि जो दिल्ली की सीमा जहां समाप्त हो रही है और जहां गुड़गांव शुरू होता है, जो अभी एक्सप्रेस वे NH8 या जिसको कहते हैं, वहां जब वो चौड़ा उसको किया जा रहा था तो इस तरह से किया जा रहा था ताकि तात्कालिक जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बेहतर किया जा सके। ये योजनाएं 50 साल आगे क्या ट्रैफिक हो सकता है, क्या इनफ्लो हो सकता है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन योजनाओं का परिचालन किया गया है। तो मुझे लगता है इसमें दूरदर्शिता का भी परिचय है, क्योंकि मतलब वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकृपाल जी बार बार कहते हैं ना, विकसित भारत 2047 तक बनाना है, उसी के मद्देनजर ये तमाम योजनाएं जिनको जमीन पर उतारा जा रहा है। रामकृपाल सर, मैं केवल एक, जैसे अभी बात हो रही थी, देखिए याद कीजिए, मैं जब 1993 में यहाँ दिल्ली वापस आया एक संपादकीय दायित्व संभालते हुए, मुझे याद है कि तब से एक हेडिंग हम जरूर पढ़ते थे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये जाकर के पूरा हुआ है 2014 के बाद, करीब 2018 में। तो ऐसे ही देखिए, जैसा कि अभी गडकरी जी क्या कहते थे, घंटे का रास्ता कि आप दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से जयपुर, यानी कहीं भी आप 2 से 2.5 घंटे में, और उन्होंने कहा था कि एयर से जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर एयर से आप 3 घंटे में के पहले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जाएंगे फिर वहां जाएंगे। तो देखिए,
कैसे डीकंजेस्ट हो रहे हैं बड़े बड़े जो मेट्रोपोलिस थे, और ये जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आगे का सपना निश्चित तौर पर अब जो प्लानिंग हो रही है, देखिए एक तो मोदी जी ने क्या काम किया कि जो पुरानी प्लानिंग थी, जो रुके हुए काम थे 30-40 साल से, उनको पूरा किया। लेकिन अब जो नई प्लानिंग हो रही है वो इस हिसाब से हो रही है कि डीकंजेस्ट पूरा का पूरा करना है। और वो जो बड़े मेट्रो शहर हैं कहीं ना कहीं वो भी डीकंजेस्ट होंगे ना, जो सैटेलाइट सिटीज हैं वो भी इस तरीके से डेवलप होंगी ना। प्रोग्राम में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको सीधे लेकर चलते हैं, वहीं से हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से की सौगात देश को देने वाले हैं, और साथ ही साथ पूरे देश को 1,00,000 करोड़ की सौगात। अब चुनावी माहौल में जब इतनी बड़ी सौगात पीएम देश को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल कनेक्शन के तौर पर भी उभर कर समीकरण सामने आएंगे। नीरज, पॉलिटिकल कनेक्शन उभर कर सामने तो आएंगे ही रोमाना, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है विकास की राजनीति। मेरे पीछे जरा देखिए ये एक्सप्रेसवे, 4 साल पहले ये बनना शुरू हुआ और 4 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। 4,100 करोड़ की ये परियोजना जब यहाँ से बन रही थी, जब काम शुरू हुआ था तो इस जगह रहने वालों का जीना दूभर था। लोग ये कहते थे कि यार यहाँ पर तो धूल धक्कड़ और लोगों के लिए आने जाने में बहुत परेशानी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले यानी 3-4 मिनट पहले इसी एक्सप्रेसवे से होकर गुजरे हैं और अब गुड़गांव में दाखिल हो चुके हैं, गुड़गांव पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और अपनी जो विकास की योजनाएं हैं, विकास परक राजनीति है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, हम लोग भी जब आए थे इसके उद्घाटन में, इसके सॉरी शिलान्यास कार्यक्रम में जब आए थे, तो उस समय हम लोगों को लग रहा था कि यार ये कैसे इतना भव्य बनाएंगे जितना भव्य ये बता रहे हैं। लेकिन आज जब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टनल भी है, इसमें अंडरपास भी है, इसमें फ्लाईओवर भी है, नीचे ये सड़क भी है, अभी देखिए गाड़ियां चल रही हैं, और इस तरह के जगह जगह गोल चक्कर खूबसूरत बनाए गए हैं, इसमें गार्डनिंग खूब अच्छी से की गई है, तो ये लग रहा है कि नहीं ये विकसित भारत का एक चेहरा है, विकसित भारत की एक तस्वीर है। तो और विकसित भारत की एक तस्वीर जो आप हरियाणा गुरुग्राम में दिखा रहे हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लेकर और दक्षिण भारत तक, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को दे रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 24 चुनाव और उससे पहले ये बड़ी 1,00,000 करोड़ की सौगात जो देश को दी जा रही है, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इसके इम्प्लीकेशन और कनेक्शन जो है वो जुड़कर सामने आएंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि फिलहाल जो चुरू के सांसद हैं, नाम राहुल कस्वा है, जिनका टिकट पार्टी की तरफ से काटा गया, वही राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल कस्वा का टिकट कटा और ऐसे में अब राहुल कस्वा कांग्रेस पार्टी में शामिल। पार्टी के सूत्रों के हवाले से राहुल कस्वा का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह राजेंद्र राठौड़ की हार मानी गई। जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ नेता विपक्ष जो राजस्थान में थे पिछली सरकार में वो हारे थे, उसी की वजह से माना यह गया कि राहुल कस्वा के भीतर घात की वजह से हार मिली, और इसी के चलते इस बार 24 चुनाव में बीजेपी ने चुरू से उनका टिकट काट दिया था। अब वही राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गया और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। राहुल कस्वा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है, और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान।
तो आप देख रहे हैं राहुल कस्वा, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे और वो कस्वा साहब का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन और जाटों का अपमान उस दिशा में बात को लेकर जा रहे थे। हालांकि एक फैक्ट ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से राजस्थान को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया उसमें जिस सीट से सांसद हैं राजेंद्र कस्वा, चूरू की सीट, वहां से इनकी उम्मीदवारी काट दी गई, इनको टिकट नहीं दिया और उसी को लेकर जो कस्वा है राहुल कस्वा वो नाराज चल रहे थे। इस बीच कल आप जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। मतलब कांग्रेस के कई बड़े नेता जो कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने ले आते हैं, चुनाव से पहले नेताओं की ये भगदड़, मौका परस्ती या फिर पार्टी में गड़बड़। विजय जी, दोनों चीजें इसमें शामिल है, मौका परस्ती भी है और पार्टी में भी गड़बड़ है लगातार। जैसे राहुल कस्वा का आपने जिक्र किया तो राहुल कस्वा को लेकर आपने भी बात की कि राजेंद्र राठौड़ वहां पर अभी विधानसभा चुनाव में लीडर अपोजिशन थे, हार गए थे चूरू, पहले वो चूरू से थे फिर उन्होंने तारानगर में अपनी लड़ाई लड़ी जो पार्लियामेंट्री सीट चूरू में आती है, तो उसको लेकर लगातार ये बात होती रही और राहुल कस्वा पर ये आरोप लगा कि उन्होंने उनको हरा दिया इसलिए उनको टिकट बदला गया। लेकिन उसी के साथ जैसे लालचंद कटारिया के साथ 32 लोग जो है उसमें कई फॉर्मर एमपीज भी हैं, फॉर्मर एमएलए भी है, वो भी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा में भी अभी कल जो है हिसार के जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, तो वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो गए और ऐसे ही कांग्रेस से लोग शामिल हो रहे हैं आप देख रहे हैं लगातार। तो वो ये देखते हैं कि या तो पहला कारण होता है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई लोग पहले भाप जाते हैं पार्टी का इशारा मिल जाता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि उनको टिकट मिल भी रहा हो तो वो उस पार्टी से नहीं जीत सकते तो वो अपनी जीत को आश्वस्त करने के लिए भी सीटों पार्टी में बदलाव कर लेते हैं और ये चुनाव के पहले एंड पहले बहुत होता है। अभी कैंडिडेट मतलब के मौका परस्ती वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे जल्दी से सर जी, रोमाना जी, मैं तो ये कहूंगा कि जो जहां भी जा रहा है सब देश सेवा के लिए जा रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं और 4 साल बाद ही सही अंतरात्मा जगी है तो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जनता निर्णय करेगी और आना जाना जो ये भी है एक अच्छी बात यह है कि सब लोग राष्ट्र सेवा के लिए और देश सेवा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें राकेश शुक्ला जी, तो जिस तरीके से ये कस्वा वर्सेस राठौर का मामला सामने निकल कर आया, माना गया कि राजस्थान में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है क्योंकि ये जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई वहां पर हो सकती है। जी बिल्कुल सही है कि हम यदि सिर्फ राहुल कस्वा जी का और राजेंद्र राठौर जी का विषय देखें तो इस समय पर राजपूत और दूसरा राजपूत का जो आपने विषय उठाया तो वसुंधरा राजे जी को भी कहीं ना कहीं साइड लाइन करके चला जा रहा। अब वसुंधरा जी आज राजस्थान में एक वो है बुके हैं जाट और राजपूत दोनों की, तो वसुंधरा जी को किनारे करना, राहुल कस्वा का पार्टी छोड़कर जाना, वसुंधरा जी के साथ वाले ही लोगों में से हैं। लेकिन जाट और राजपूत इन दोनों का जो समीकरण था वो समीकरण कहीं ना कहीं इस चुनाव में मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं नकारात्मक न साबित हो। ठीक है, आइए प्रोफेसर साहब। मुझे तो ये लगता है जो रामकृपाल जी ने कहा कि सेवा के जा रहे हैं, मैं उनके कटाक्ष समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा ये भी कहना जरूरी होगा कि देखिए राजनीति में सेवा तो है पर मुझे लगता है पद और प्रतिष्ठा की भी ये एक लड़ाई होती है और वैसे में जो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो देखता है कि भाई उसका प्रोस्पेक्ट्स किधर है। आप देखें राजस्थान में जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री बनाए गए, युवा व्यक्ति को चांस मिला, तो वैसे स्थिति में कोई भी कार्यकर्ता ये देखेगा कि किस तरफ उसके ऊपर जाने की या उसके पद पाने की संभावना किस तरफ ज्यादा है। उस सीट पे राहुल कस्वा का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से शासन कर रहा है, सत्ता में है, तो किसी नए कार्यकर्ता को क्या अवसर नहीं मिलना चाहिए? यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां एक बिल्कुल लो प्रोफाइल जमीनी व्यक्ति को दिया गया है टिकट तो मुझे लगता है आपको उसका सहयोग करना चाहिए क्योंकि आप 3 पीढ़ियों से उस सीट पे जीत रहे लगातार। मैं राकेश जी की यही बात कहना चाह रहा था कि वो आप देखिए उसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्ट्स भी होगी ना कि राजनीति में लगातार एक ही परिवार का दबदबा चल रहा है और देखिए इधर से उधर कोई भी जा सकता है पर आप देखिए कि गति किस तरफ है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहां एक संगठन है, वहां एक नेतृत्व है, वहां पर नीचे से ऊपर जाने की जो प्रोस्पेक्ट संभावना है वो ज्यादा है, खुली हुई है, तो इसलिए कोई भी कार्यकर्ता उसको वो अपने
ठीक है, कोई चला भी जाए इधर से उधर, लेकिन जिस तरह से आप देखिएगा कि जो आमुख है वो बार बार आपको हर एक राज्य में इशारा करेगा, खास करके हिंदी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव नजर, बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद सिटिंग एमपी वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक जोर का झटका और जोर से ही ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि यूसुफ पठान के बाहरी होने पर भी सवाल तो उठ रहे हैं। बीजेपी ने कीर्ति आजाद को भी टीएमसी टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं पश्चिम बंगाल से। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान टीएमसी की तरफ से किया गया, उसके बाद टीएमसी के कुछ उम्मीदवार जिन पर बाहरी का ठप्पा लगाकर जो विपक्षी हैं वो कहीं ना कहीं ममता सरकार को घेरने की जुगत में हैं। इसमें एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी है, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल सिटिंग एमपी हैं आसनसोल से और उसी सीट से एक बार फिर टीएमसी की तरफ से उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, कीर्ति आजाद को लेकर और ये आप यूसुफ पठान को देख रहे हैं, यूसुफ पठान को लेकर टीएमसी पर निशाना बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है।